बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को भगवान राम पर अपनी टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। मांझी ने कहा कि वह गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि में विश्वास करते हैं, लेकिन राम में विश्वास नहीं करते। राम भगवान नहीं थे, वह गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि के काव्य चरित्र थे। मांझी के पार्टी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा HAM राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटकों में से एक है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जमुई जिले के सिकंदरा ब्लॉक क्षेत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती और माता साबरी महोत्सव समारोह पर यह टिप्पणी की। मांझी एक दलित जो आप अपने स्वयं के संगठन का नेतृत्व करता है, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा OBC दिग्गज लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिताता है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा HAM के अध्यक्ष का इस तरह के विवादों में आना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने पहले भी भगवान राम और ब्राह्मणों पर ऐसे कई विवादित बयान दिए थे। इससे पहले उन्होंने यह कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि ब्राह्मण महादलितों के घरों में जाते थे, लेकिन वहां खाना नहीं खाते थे और पैसे मांगते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।